नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 1 सीट बुलंदशहर पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अब तक जनता का रुझान जो मिला है उसमें सभी सीटों पर भाजपा की करारी हार और समाजवादी पार्टी लोकदल की भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। जनता समाजवादी पार्टी की काम और भाजपा की नाकामी दोनों से भली भांति परिचित है। अब जनता को भ्रमित करने की उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। जनता इन उपचुनाव में अपना जो मत व्यक्त करेगी उसमें सन 2022 में होने वाले आम चुनाव के भी संभावित परिणाम का संकेत मिलेगा। समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा उपचुनाव में नोगावा सांदात से श्री सैयद जावेद आब्दी, टुंडला से श्री महाराज सिंह धनगर, घाटमपुर से श्री इंद्रजीत कोरी, मलहनी से श्री लक्की यादव, देवरिया से श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी तथा बांगरमऊ से श्री सुरेश कुमार पाल प्रत्याशी है। अपनी स्वच्छ छवि, जनता के बीच लगातार उपस्थिति और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्षशील रहने से प्रत्याशियों को जनता का प्रबल समर्थन मिल रहा है और सम्मान भी काफी मिल रहा है। भाजपा को अभी से अपनी हार का अंदेशा हो चला है, इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वह मतदाताओं को धमकाने और साजिशें करने पर उतारू हो गई है। स्थानीय प्रशासन मतदाताओं को लाल कार्ड जारी कर उन्हें अदर्भ में ले रहा है कि वे सत्ता दल के खिलाफ ना जाए। यह लोकतंत्र के विरुद्ध आचरण है। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर प्रधानों और कोटेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस के बल पर लोगों को धमकाया जा रहा है। कई मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में डेरा डाल रखा है। इस संबंध में चुनाव आयोग को चुनाव प्रभावित करने की सरकारी साजिशों के प्रति तुरंत संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए। उपचुनाव में प्रचार के दौरान लोग बिना लागल पेट कर रहे हैं कि वे हवाई वादों के फेर में अब नहीं पड़ेंगे। उन्हें विकास चाहिए, वह भी बिना किसी राग द्वेष के, और वह समाजवादी सरकार में ही संभव है। वह उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को जिताएगी और आगामी आम विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देकर श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये चुनाव में चाहे कोई भी रिजल्ट आए, पर हमें 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश की हालत बदहाल कर दी है। उधर की जनता को अभी सिर्फ एक मौका चाहिए। कब 2022 आएगा और कब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं वही काम अभी भी उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में इतने साल में कोई काम नहीं किया, वो भी जनता ने देखा कि समाजवादी सरकार में जो काम हुए है वही काम को अपना बनाकर वापस उद्घाटन कर वापस शिलान्यास कर जनता के सामने रखे जा रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी ने लोकार्पण कर दिया था, जो काम को, जो चीज को अखिलेश यादव जी ने यूपी की जनता को दे दी थी, वापस उद्घाटन कर रहे हैं, वापस वही जनता को अपना नाम लगा के भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है, वो करके वापस जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, 2022 में समाजवादी सरकार लानी है, वो हमें सबको मिलके लानी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नमस्कार।